आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस से हरदा में कमल युवा खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कोरोना काल के बाद हो रहे खेलों के इस आयोजन में हरदा में मिनी ओलंपिक सा नजारा है। इस आयोजन में शामिल हो रहे खिलाड़ियों ने पुलिस बैंड के साथ नगर में मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट में किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में करीब 2,500 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कोरोना काल के बाद प्रदेश में खेलों का यह पहला बड़ा आयोजन है। नेहरू स्टेडियम हरदा में कमल खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कमल स्पोर्ट्स क्लब हरदा के अध्यक्ष संदीप पटेल ने कहा, यह खेल महोत्सव खेलने और सीखने का अवसर होगा। खेल आयोजन के शुभारंभ अवसर पर स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के सांस्कृतिक दलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। मिनी ओलंपिक हरदा में संदीप पटेल और उसकी पूरी टीम ने आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य छोटा नहीं है, लक्ष्य छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि हरदा के बच्चे विभिन्न खेल, जो 28 प्रकार के खेल खेल रहे हैं, इसमें इतनी मेहनत करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि प्रदेश नहीं, देश नहीं, ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हरदा के बच्चे। इस प्रकार की सुविधाएं भी हम इनको उपलब्ध कराएंगे। कुश्ती के क्षेत्र में भी हरदा नंबर वन है। यहाँ के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया है। हॉकी में भी हमारे होशंगाबाद का पिपरिया बनखेड़ी का बेटा विवेक सागर प्रसाद, उसने नाम रोशन किया है। और इसी प्रकार यहाँ के बच्चे भी जो आज इस ग्राउंड के अंदर हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, कॉलेज के भी 4,656 बच्चे आज इस कमल युवा खेल महोत्सव में भाग ले रहे हैं। उन सबका मैं स्वागत करता हूँ।